सफर ना किया हो, और मेरे पुराने साथी यहाँ हर पंचायत में निकलेंगे, ब्लॉक में निकलेंगे, जिन्होंने मेरे साथ काम किया। मेरे को 52 साल कांग्रेस पार्टी में, मैं कृतज्ञ हूँ कांग्रेस नेतृत्व का, कांग्रेस अध्यक्ष का, सोनिया जी का, राहुल जी का, जग्गा जी का और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया। इस क्षेत्र में और हिमाचल में जो जिम्मेवारी मुझे केंद्र में मंत्री के रूप में मिली थी, हमने कई बड़े काम किए हैं। पूरे हिमाचल में, जो शिमला मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि, पूरा हिमाचल और पूरा भारत रहा है, और जो देश ने अवसर दिया, देश के बाहर भी दुनिया में हम अपना तिरंगा लेकर गए हैं। पर संस्थाएं गवाह है, वो यहाँ भी बनी है, शिमला में बनी है, मंडी में बनी है, चाहे मंडी में IIT है, शिमला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ धर्मशाला तालपुरा में निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी टी बोर्ड का नॉर्दर्न रीजन का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, टी म्यूजियम यहाँ पे है, सेरिकल्चर सेंटर यहाँ पे है, और कंद्रौर में जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है वो मैंने बनवाया था, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था देश का, तो हमने काम किए हैं, विश्वविद्यालयों के ब्लॉक बनाए हैं, अनाथ आश्रम बनाए हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए हैं, स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए हैं। ये आपकी इतिहास है, लेकिन अब आप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं, तो कांगड़ा चंबा के लिए भी सीरियस राजनीति होती है, केंद्र का मंत्री की राजनीति सीरियस होती है। एक लंबा वक्त हो गया आपको केंद्र में, लंबा वक्त हो गया, काफी अनुभव रहा है, कर रहा है कि जीत भी जाए अगर आनंद शर्मा, तो दूल्हा कौन होगा इस बारात का? दूल्हा प्रधानमंत्री कौन होगा? कौन हमारी बारात का? आप सरकार तो बनने दें, वो भी सामने आ जाएगा। इस बार ये जो पहले कहते हैं कि हवा है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, कोई हवा नहीं है, हवा निकल रही है। लोगों के सामने मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, नौजवानों के साथ हमारे बेटे बेटियों के लिए पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी सामने खड़ी है। सिर्फ बातों से और खोखले दावे, असलियत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है, गृहणियों से पूछो क्या हाल है, हमारी महिलाओं से, बेटियों से, और उसके साथ साथ जो एक इतना गलत फैसला हुआ है जिससे हमारे नौजवानों को तो धक्का लगा, पर देश की सुरक्षा पर भी छाया आ गई, वो अग्निवीर की योजना, फौज की भर्ती की, 4 साल के बाद आएंगे जवान लड़के बाद 20-21 साल की उम्र में, ना उनको मेडिकल मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, और अगर मर जाएंगे सरहद पे तो शहीद का दर्जा नहीं। हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं, पर हमारा वचन है हम इसको खत्म करें।